एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो मात्र 15 दिनों में अपनी क्लास 10th हिंदी की पूरी तैयारी कैसे ट्रिक से करेंगे। मात्र आप लोग इतना हिंदी में पढ़ लो जितना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आपका हिंदी में 70 बिल्कुल पक्का है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप लोग भी टारगेट बनाए कि इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे कि आपको मात्र 15 दिनों में अब आपको कौन कौन से चीजों को पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम से हिंदी से रिलेटेड वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे। तो हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से अब आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 20 नंबर के अब आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे न्यू पैटर्न के अनुसार, जो कि हमने आप सभी को इस पूरे पेपर में ठीक है किस तरह से आते हैं सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आएंगे वो गद से 5 नंबर के और पद से 5 नंबर के, ठीक है, यानी टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में गद और पद से बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे गद में जैसे रीतिकाल हो गए, ठीक है, शुक्ल काल हो गए, छायावादी, ये सब जो होते हैं इनके लेखक और नाटक रचनाएं, इन सब चीजों को आपको याद कर लेना है, ठीक है, जिससे आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार अब आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में आएंगे, ठीक है। तो आपके यानी एक नंबर का रस, एक नंबर का छंद और एक नंबर के अलंकार से क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। किस तरह से, जैसे यहाँ पे हम आप सभी को बता दें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है करुण रस का स्थाई भाव है, ठीक है, तो अगर आपको पता है तब आप लोग लिखोगे कि शोक है। तो यानी इस तरह से बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपको क्लास 10th में अगर आप लोग हो तो आपको हास रस, करुण रस, ठीक है, और छंद में सोरठा और रोला छंद और अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, यानी आप लोग इन सभी रस छंद अलंकार को तैयार कर लीजिए, इसका परिभाषा उदाहरण और इसको पहचानना, ठीक है, तभी आप लोग अपने एग्जाम में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोग पहचान पाओगे। तो ये आपको हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आता है उपसर्ग, उपसर्ग जो है यानी उपसर्ग प्रत्यय समास तत्सम पर्यायवाची, ये टोटल 4 टॉपिक है, ये 4 नंबर के आएंगे, यानी एक एक नंबर का क्वेश्चन इन सब टॉपिक से आएंगे। तो आपको उपसर्ग में इम्पोर्टेंट जो है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे है अ, ठीक है, अभी और अब, यानी अगर आप लोग इन तीनों को तैयार कर लिए तो आपका उपसर्ग बिल्कुल एक नंबर आपको एग्जाम में पक्का है, ये आना ही आना है। नेक्स्ट आ गया प्रत्यय, प्रत्यय में आपको आई, हट और त्व, ठीक है, और पन, यानी और भी आपको कई इम्पोर्टेंट तैयार कर लेना है। जैसे आई का मतलब चढ़ाई, ठीक है, लिखाई, हट का मतलब घबराहट, तत्व का मतलब महत्व, ठीक है, लिखत्व, यानी इन सब चीजों को आपको तैयार करना है, ये सब होते हैं प्रत्यय, ये भी आपके एग्जाम में एक नंबर का आएगा। नेक्स्ट आता है समास, इसमें द्वंद और द्विगु, आपको द्वंद और द्विगु दोनों को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है तत्सम और पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो आपके एग्जाम में इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। और ये पेपर में हमने आप सभी को इस पेपर का मॉडल पेपर की वीडियो आपको अभी कल ही प्रोवाइड कराया है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर के इस पूरे पेपर को देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, इन सब चीजों को, ठीक है, किस तरह से आते हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे संधि, संधि में आपको क्लास 10th में हो तो आपको यर संधि पढ़ना है, और शब्द रूप में आपको फल, मति और नदी, ठीक है, धातु रूप में आपको पठ का और हस का पढ़ना है, तो आप लोग इन तीनों को तैयार कर लीजिए, आपका 3 नंबर पक्का है, यानी इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग जाकर के तैयार कर लें। शब्द रूप और धातु रूप को याद करने की ट्रिक भी है, वहां से भी आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया महत्वपूर्ण गद्यांश, तो महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको
ममता चैप्टर के, ठीक है, अगर आप लोग दो गद्यांश को ममता चैप्टर के तैयार कर लिए तो आपका बिल्कुल पक्का है 6 नंबर, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, ठीक है, तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो आप लोग ममता से 2 गद्यांश को तैयार कर लीजिए और मित्रता से 2, यानी 4 को तैयार कर लिए आप लोग 2 पाठ में से 4 गद्यांश को, तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया महत्वपूर्ण पद्यांश। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको पद से, भक्ति नीति और धनुष भंग तीनों को अगर आप लोग तैयार कर लिए इसमें से, ठीक है, 2-2 ठो तैयार कर लिए यानी 6 ठो, तो आपका बिल्कुल तैयार हो गया। और आप लोग इस पद्यांश को मात्र 2 दिन में तैयार कर सकते हो। 2 दिन में आप लोग पद्यांश को तैयार कर लीजिए, 2 दिन में आप लोग गद्यांश को तैयार कर लीजिए, ठीक है, और इन सब चीजों को आप लोग 2 दिन में तैयार कर सकते हो। और बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप लोग, 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो डेली आप लोग अगर 10 क्वेश्चन को तैयार करते हो तो आपका 15 दिन में तैयार हो जाएगा सभी क्वेश्चन। तो आप लोग इस तरह से तैयार कीजिए। यहाँ पे देखिए जो पद्यांश है ये भी 6 नंबर का आता है, यानी यहाँ पे 12 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, 6 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का पद्यांश, टोटल 12 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण जीवन पर्चे। तो जो जीवन पर्चे है वो आपके एग्जाम में अब 5 नंबर का आता है, और 5 नंबर का कवि का, 5 नंबर के लेखक का, यानी टोटल 10 नंबर के आते। तो यहाँ पे लेखक जीवन पर्चे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल को तैयार कर लिए इनका जीवन पर्चे, तो आपके एग्जाम में ये दोनों आएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको किसी एक को लिखना होगा, ठीक है, तो आप लोग 2 तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, जो कि हमारे चैनल पे है, आप लोग जाकर इम्पोर्टेंट जीवन पर्चे में जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के। नेक्स्ट है कवि, इसमें तुलसीदास, सूरदास और महादेवी तीनों का तैयार कर लिए, तो उसमें से आपका तीनों में से, ठीक है, कोई ना कोई जरूर आएगा और आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप लोग लेखक और कवि दोनों के जीवन पर्चे आप लोग देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है, हर साल आता है, ठीक है, वो कौन कौन से है, और जो इस बार आपका निबंध है वो 9 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे हम आपको 5 ऐसे निबंध बताएंगे जिससे आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा एग्जाम में। तो वो है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, अगर आप लोग पर्यावरण प्रदूषण का याद कर लिए तो ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन आता है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है विज्ञान वरदान या अभिशाप या विज्ञान का चमत्कार, आप लोग दोनों टॉपिक पे याद कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस या मेरे प्रिय कवि, आप लोग इन दोनों टॉपिक पे तैयार कर लीजिएगा, आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो सभी जितने भी यहाँ पे दिया हुआ निबंध ये सब हमारे चैनल पे है, आप लोग इम्पोर्टेंट निबंध में जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्य, ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत से भी आपके गद्यांश आते हैं, तो जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं और 5 नंबर के पद आते हैं संस्कृत से, ठीक है, तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट गद्यांश है, उसको तैयार कर लेना है। पहला है भारतीय संस्कृति, ठीक है, इसमें आपको अस्माकं --- चेति ये वाला जो है, ये वाला पैराग्राफ आपको याद कर लेना है, ये क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, हर साल आते हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वाराणसी, इसमें आपको ऐसा नगरी --- कारित इसको तैयार कर लेना है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग दोनों को अगर तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। और नेक्स्ट आ गया महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि संस्कृत का आता है, तो इसमें आपको, ठीक है, पहला याद कर लेना है बंधन मरण --- वीरता, ठीक है, जो कि वीरह वीरेण पूज्यते चैप्टर से है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ये हर साल आता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया यहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यतु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है, ये वाला आपको श्लोक तैयार कर लेना है। इसका आपको क्या करना है, संदर्भ
और आपको इसके हिंदी में अनुवाद, ठीक है, दोनों को तैयार कर लीजिए। आपके 5 नंबर के ये आते हैं एग्जाम में और ये है भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांश अब्दो दुर्गामी पंडित, ये है प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। यानी 3 तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है 100%। नेक्स्ट है संस्कृत के 2 श्लोक, और संस्कृत के जो श्लोक आते हैं वो 2 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप लोगों ने 2 तैयार कर लिया, जैसे यहाँ पे सर्वे भवंतु वाला और यहाँ पे बंधनम मरणम, ठीक है, दोनों को तैयार कर लिए तो आ लोग 1 लिख सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट आ गया खंड काव्य, जो कि 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, तो ये आपके जिला वाइज होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 3 नंबर का आता है। यहाँ पे ज्योति ज्वाहर मुक्ति दूत, यानी आपकी ये जिला वाइज होता है, आप लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से आपको याद करना है। मुक्ति दूत, ठीक है, अग्र पूजा, और यहाँ पे कर्मवीर, मातृभूमि, कर्ण, यानी ये सब जो है जय सुभाष, ये सब मेवाड़ मुकुट आपको तैयार कर लेना है। यानी आपको कौन से जिले से हो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा तैयार करना है, कौन सा पढ़ना है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आता है संस्कृत का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, 2 आते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 4 नंबर का आता है। तो आप लोग यही जो चैप्टर है भारतीय संस्कृति और वाराणसी दोनों से अगर आप लोग तैयार कर लेते हो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, तो आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का है। और इसके साथ साथ आप लोग जितना भी बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है उन सभी को तैयार कर लीजिए, और पिछले प्रीवियस ईयर्स पेपर को भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपका 70 नंबर बिल्कुल हिंदी में पक्का है, अगर आप लोग इतना पढ़ लिए तो आप लोग जरूर इसकी पूरी तैयारी कीजिए। आपका मात्र 15 दिनों में ही आप लोग हिंदी की पूरी तैयारी कर लोगे और आपका हिंदी में 70 बिल्कुल पक्का। अगर आप लोगों ने 2-2 दिन की समय भी दिया इन सब टॉपिक को तैयार करने में, फिर भी आपके पूरे टॉपिक तैयार हो जाएंगे 15 दिन में। तो आपको आज से ही रेगुलर स्टडी करनी है और अच्छे तरीके से जितना भी हमने यहाँ पे टॉपिक बताया सभी को बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है, आज और कल नहीं करना, आज ही आपको तैयार कर लेना है। तो आज से ही आप लोग सभी को तैयार कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है, आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।